बिस्मिलहिम नाजरीन असल मैं हूँ इमरान वसीम एज चेयरमैन पी टी आई इमरान खान ने कल जो पच्चीस मिनट का एक वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया या खान साहब ने जो वी लॉ किया उसमें चेयरमैन पी टी आई इमरान खान साहब ने कुछ अहम एतराफ़ात किए हैं और सबसे ख़ास बात ये थी जिसका आगे चल के हम जिक्र करेंगे कि किस तरीके से इमरान खान साहब ने नवाज़ शरीफ को शरीफ ख़ानदान को क्लिन चिट दे दी किस मामले पे नाजरीन जो हदेबिया पेपर मिल का केस है जिसे खान साहब खुद कहा करते थे अपने बहुत सारे बयान में खान साहब ने इस बात को दोहराया कि नवाज शरीफ के खिलाफ शबाज के ख़िलाफ़ इनकी फैमिली के खिलाफ जो हदेबिया पेपर मिल का मुकदमा था वो ओपन एंड शट केस था लेकिन उसको ख़राब किया गया उस मुकदमे को बंद किया गया उस मुकदमे में जो शरीफ ख़ानदान की बरियत हुई खान साहब कहते थे कि वो बरियत गलत हुई ओपन एंड शट केस था उसमें शवाइद मौजूद थे इस साग डार के बयान हल्फी का जिक्र किया करते थे लेकिन कल न जाने खान साहब किस खुमार में थे किस नशे में थे खान साहब वो वीलॉग करते हुए उसी केस में हुबिया पेपर मिल केस में जो खान साहब खुद कहते थे कि ओपन एंड शट केस था शरीफ खानदान के खिलाफ उस केस में इस साख डार को नवाज शिफ़ को शबाश को पूरी शरीफ खानदान को शरीफ फैमिली को खान साहब ने क्लीन चिट दे दी अब ये क्लिन चिट कैसे दी है इसकी तफसलत आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे इससे पहले हम बात करेंगे खान साहब के इस खिताब में पच्चीस मिनट के वीलाग में जो दीगर अहम बातें थीं जो दीगर खान साहब नेतराफ़ किए वो एक करके आपकी खिदमत में पेश करेंगे पहले तो खान साहब ने यह एतराफ़ किया कि मैंने सत्ताईस साल पहले ये जो सियासी जमात पाकिस्तान तरीक़ानसाफ बनाई थी मकसद ये था कि मैंने इंसाफ़ की तहरीक चलानी थी इंसाफ़ लोगों को देना था जिसमें छोटा बड़ा सब बराबर हो अब जहरी सी बात है कि आप एक सियासी जमात बनाते हैं आपका एक्सपीरियंस होता है आपका एक्सपोयर होता है आपको पता होता है कि अदालती निज़ाम में लोगों को इंसाफ़ क्यों नहीं मिलता उसके मसाइल क्या हैं वजूहत क्या हैं कैसे ठीक किया जा सकता है थानों में लोगों के साथ जो सलूक होता है ख़ास तौर पर आम लोगों के साथ जो हरासा किया जाता है जो उन्हें गालियाँ दी जाती हैं जो उन्हें जेलों में डाल डाला जाता है झूठे मुकदमत का इंदराज होता है तो खान साहब का यानी मकसद ये था कि इन तमाम चीज़ों से आवाम को निजात दिलाने के लिए मैंने सत्ताईस साल पहले ये जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी एक इंसाफ़ की तहरीक शुरू की थी लेकिन आगे चल के ख़ान साहब क्या कहते हैं खान साहब एतराब करते हैं कि ये जो चौदह महीने हैं ये कौन से चौदह महीने हैं जब से खान साहब वजारत उमा की कुर्सी से उतरे हैं खान साहब ने कहा कि इन चौदह महीनों में मुझे पता चला मुझे अंदाज़ा हुआ कि होता क्या है आम लोगों के साथ थानों में लोगों को इंसाफ़ के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं इंसाफ कितना मुश्किल है खान साहब के लिए खान साहब ये कह रहे थे कि आवाम आम लोगों के लिए अब खान साहब के अल्फाज कुछ और सौ हो सकते हैं लेकिन खान साहब का खुलासा ये था खान साहब यूरोप और बरतानिया की मिसालें तो दे रहे थे अब खान साहब से यह सवाल पूछे खान साहब अगर आपको इन चौदह महीनों महीनों में एहसास हुआ है कि हमारे थाने का निज़ाम क्या है हमारे प्रोसिक्यूशन का निज़ाम क्या है हमारी अदालतें क्या हैं तो फिर आप सत्ताईस साल तक किस बात की जद्दोजहद कर रहे थे अवाम को लोगों को बरतानिया यूरोप अमेरिका की मिसालें किस बुनियाद पर दे रहे थे मतलब आपको ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों के मसाइल क्या हैं थानों में क्या मसाइल हैं अदालतों में क्या मसाइल हैं कोर्ट कचहरीों में क्या मिसाइल हैं आपको कोई पता नहीं था आप सरफे एक नारा लेके एक स्लोगन लेके चल रहे थे लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के तो खान साहब ने कल ख़ुद एतराफ़ किया मैं नहीं कह रहा उन्होंने कहा कि इन चौदह माह में मुझे पता चला कि जो कमज़ोर तबका है कितना पिस जाता है इंसाफ लेने के लिए दूसरी खान साहब ने बात की कि जे के सामने में पेश हुआ मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या जो नौ मई का वाक्य था मैं उसमें शामिल था क्या मैं उस साजिश का हिस्सा था तो खान साहब जवाब क्या देते हैं पहले तो खान साहब एतराफ़ करते हैं कि हाँ मैंने कहा कि ये साजिश थी लेकिन ये देखें कि साजिश का फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान किसका हुआ यानी खान साहब ये प्रूव कर रहे हैं ये बात करके बार बार मुख्तलि बी लॉक में खान साहब ने बात की अब तो खान साहब ई लॉक करके पैसे भी कमा रहे हैं खान साहब ने कहा कि आप तफ्तीश इस एंगल से करें कि नौ मई के वाक्य का फ़ायदा किसका हुआ नुकसान किसका हुआ यानी खान साहब कह रहे हैं नुकसान तो हमें हुआ हमारे बंदे पकड़े गए फ़ायदा पीटीएम वालों को हुआ ऐसा नहीं ये खान साहब चीज़ को ट्विस्ट कर रहे हैं मामला ये है एक चोर चोरी करने के लिए घर पे जाता है चोरी करने के लिए किसी घर पे जाता है एक डाकू डका डाका डालने के लिए डकेटी डालने के लिए किसी जगह पे जाता है वो अगर डाका डाल ले वो चोरी कर ले फिर तो उसी का फ़ायदा है लेकिन अगर वो डाका डाकू डाका मारते हुए वो चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो फिर वो चोर ये तो नहीं कह सकता जी मैं जो पकड़ा गया हूँ मेरा पकड़ने से किसका फ़ायदा हो किसका नुकसान हुआ ना ऐसा नहीं हो सकता अगर डाकू चोरी करने में कामयाब हो जाए तो उसका फ़ायदा अगर चोरी करने में नाकाम हुआ तो उसका नुकसान तो नौ मई का जो भी साजिश थी उसमें जहरी सी बात है कि ये हो नहीं सकता कि दो सौ लोग जो है वो सिर्फ मिलिट्री अमलाक की तरफ बढ़ निकलें तो बाहर से ऐसा लगता है कि प्लान था प्लान के तहत वहाँ पर लोगों ने रुक किया और ये जो खान साहब का ये कहना है इसमें एक और पॉइंट भी मैं ऐड कर देता हूँ खान साहब ये कहते हैं कि क्योंकि कमांडो एक्शन के जरिए मुझे पकड़ा गया तो लिहाजा लोगों ने जो है वो कंटोनमेंट की तरफ ही जाना था बरतानिया में आप देखें खान साहब कहते हैं कि टेन डाउनिंग स्ट्रीट पर लोग जो हैं वजी अजम के घर के सामने एहत करते हैं लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि कंटोनमेंट के अंदर जाके आप एहतजाज नहीं कर सकते ये दो मुख्त बातें खान साहब उनकी अपनी बातों में तज़ाद मौजूद है बरतानिया की मिसाल प्राइम मिनिस्टर हाउस डाउन डाउन टन डाउनिंग स्ट्रीट स्ट्रीट की देते हैं यहाँ पे खान साहब गैरिजन और कंटोनमेंट में एहताज की बात करते हैं दोनों मुख्तफ बातें हैं बरतानिया में जाके करें मलका के घर के बाहर एहतजाज बरताना में जाके करें उनकी जो मिल्ट्री है उनके हेडकोर्टर के बाहर एहतजाज लग पता जाएगा यहाँ पर भी आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के सामने पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करते रहे वहाँ पर बरतानी में भी करते हैं तो फ़र्क कोई नहीं है लेकिन यहाँ पर आपने मिल्ट्री को जाके एहतजाज नहीं किया नुकसान पहुँचाया फिर खान साहब ये जो आगे चल के एक और बात कर रहे हैं कि अब फ़ायदा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग को और स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके इन पी वालों ने पीपल्स पार्टी ने मेरे खिलाफ़ साजिश की अभी जो साजिश वाली खान साहब बात कर रहे हैं यानी खान साहब ने पहले तो ये कहा कि ये भी साजिश थी मुझे गिरफ़्तार करना मुझे गिरफ्तार ना करते तो ये सब कुछ ना होता खान साहब आपको नैप के केस में गिरफ्तार किया गया था कोई साजिश के तहत नहीं गिरफ्तार किया था वो एक अलग मामला है कि वो गिरफ्तारी ठीक थी नहीं थी कैसे नोटिस लिया गया कैसे उस केस को फिक्स का कैसा वो केस फिक्स हुआ कैसे आपको अदालत में प्रोड्यूस किया गया वो अलग बहस है उसमें जाएंगे तो फिर और बातें करेंगे बात है, यह है ये जो आपका जहां स्टैब्लिशमेंट ने मिलकर साजिश की बात यह कि आपकी तो बहनें वहाँ पर मौजूद थी आपके भांजे साहब वहाँ पर मौजूद थे कोर कमांडर लाहौर के वर्ती को लहरा के दिखा रहे थे आपके पार्टी के लोग मौजूद थे क्या वो भी एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी और पीडीएम के साथ मिले हुए थे आपके पार्टी के लोगों के यासमिन राशि साहबा एजाज चौधरी साहब और इसके अलावा महमूदा रशीद साहब एजाज चौधरी के बेटे की आपके टिकट होल्डर्स की ऑडियोज़ आ चुकी हैं क्या वो भी इस साजिश में शामिल थे लेकिन यहाँ पर खान साहब से सवाल करने वाला हो तो फिर खान साहब को जवाब देते हुए चौदह तबक रोशन हो जाएंगे अगले खान साहब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मेरी गिरफ़्तारी को मेरे अगवा को गिरफ़्तारी अगवा जिस तरीके से मुझे उठाया गया गैर कानूनी करार दे दिया तो हमारा तो एहताज करना हक़ था हम किसी भी जगह कर सकते हैं अब न जाने खान साहब किस नशे में होते हैं किस खुमार में होते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट ने आपकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी कहा उसने सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में नहीं लिखा कि आप अगवा हुए थे आपको उठाया गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप ये भी हवाला देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि मैंने जब पता चला मैंने जाके उसकी मजम्मत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं नहीं लिखा खान साहब गलत बयानी कर, कर रहे हैं आगे खान साहब की बात सुने कि खान साहब क्या बात कर रहे हैं खान साहब ये कहते हैं कि जज दोनों तरफ का सुन के फैसला करता है यानी ये अपने तरफ से हमारे मेरे खिलाफ़ खान साहब कह रहे हैं मुकदमत बना के मुझे, मुझे मुलजम मुजरम बना दिया है खान साहब आप भी यही करते हैं कैसे करते हैं मैं आगे चल के आपको बताता हूँ आगे चल के नातर ना आपको बताता हूँ कि खान साहब ये फ़न कैसे जानते हैं जब अपनी बात हो तो कहते हैं तहकीक़त कराएँ इंसाफ़ होना चाहिए दोनों तरफ का मौके सुना जाए लेकिन जब सियासी मुखालफी की बात हो तो खान साहब कहते हैं नहीं मैंने कह दिया मैंने कह दिया तो ये करप्ट है मैंने कह दिया तो ये चोर है मैंने कह दिया ये डाकू है आगे आगे आप अभी आपको बताते हैं खान साहब ने कहा कि मुझे जलील करके उठाया गया कमांडो एक्शन करके उठाया गया कंटोन में एहतजाज ना करते तो कहाँ करते आइन में कहाँ लिखा कि हम कंटोनमेंट में जाकर कर एहतजाज नहीं कर सकते तो आइन के अंदर ये जरूर लिखा है आइन के अंदर वैसे अंदर कल मुझे अच्छा नहीं लगता मैं दूसरे लोगों को भी टोकता हूँ लेकिन खुद भी यही बात कर जाता हूँ लेकिन मैं तो छोटा मोटा एक व्लागर हूँ बड़े बड़े एंकर ऐसी बातें करते हैं लेकिन बुरा लगता है मुझे तो पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि आपको एहताज का हक है सब्जेक्ट टू द लॉ एंड रिस्ट्रिक्शन यानी अगर कानून के तहत कोई कदगने लगाई गई हैं रुकावटें लगाई गई हैं कानून में अगर कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद है कि आप फलां जगह पे उस इशू के ऊपर फलां इशू के ऊपर फलां मामला के ऊपर एहत नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते एक सीधी सी बात आपको बता देते हैं आजादा न नक़ल हरकत आपका बुनियादी राइट है आपके घर के सामने कोई गली बंद करके एहताज़ करे तो उसका वो एहतजाज करने तो हक तो है लेकिन उसका ये हक़ नहीं कि वो अपने एहताज़ के हक, हक को हक़ को एक्सरसाइज़ करते हुए आपका रास्ता बंद कर दे तो वह आपके बुनियादी हक़ की वाइलेशन कर रहा है कानून में अगर ये कहा गया है कि फ़लाँ इलाके रेड जोन में आते हैं फ़लां जगह पर जाके आप कोई हुल्लड़बाजी नहीं कर सकते आप पाँच लोग इकट्ठे नहीं हो सकते तो वहाँ पर आप एहत करेंगे तो एहतजाज का आपका राइट तो है लेकिन सब्जेक्ट टू द लॉ एंड रिस्ट्रिक्शन उसकी फिर आप वायलेशन करेंगे फिर वो आइनी वहाँ पे एहतजाज करने का आइनी राइट नहीं होगा जहाँ पे कोई रुकावटें लगाई गई हैं जहाँ पे कानून कहता है कि आप एहतजाज नहीं कर सकते वहाँ पे आइनी राइट ख़त्म हो जाएगा आगे सुने खान साहब क्या कहते हैं खान साहब ने कहा कि क्या मैं कोई कमी हूँ मैंने तो फैसल न के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था हमारी एफ दर्ज नहीं हुई लेकिन मेरे ऊपर कतल का मुकदमा दर्ज कर दिया कोयटा वाले वकील का ज़िल शाह का मुकदमा मेरे खिलाफ़ बना दिया क्या वहाँ पर तहकीकत हुई थी तो खान साहब फैसल नसीर पर आपने इल्ज़ाम पहले लगाया था वकील का कत्ल बाद में हुआ ज़िल शाह का कत्ल बाद में हुआ वो उसका कत्ल या जो भी मौत हुई वो बाद में हुई आपने पहले बगिन बिना तहकीक के आपने फैसल नसीर पर इल्ज़ाम लगाया अभी जो खान साहब क्या हम कोई कमी है उसकी बात करें तो लाइटर नोट पर चलने बात कर लेते हैं वैसे सीरियस नोट भी, भी हो सकती है माजी की हमारे जो वज़ी अजम गुज़रे तोशा खाना से क्या लेके गए गाड़ी ले गए नवाज शरीफ शेप अपना जदारी गाड़ी लेके गए और गिलानी ने वो नेकलेस का हार लिया एक एक दो दो तोहफे लिए चले गए खान साहब ने तो तो खाना को तिजारत का ज़रिया बना दिया दुकान खोल दी खान साहब ने इधर घड़ियाँ आ रही थी इधर घड़ियाँ बेच रहे थे इधर घड़ियाँ आ रही थी इधर घड़ियाँ बेच रहे थे और तोहफे आ रहे थे उनको बेच रहे थे कलील्ज आ रहे थे उनको बेच रहे थे तो खान साहब ये जो आपने तोशा खाना के साथ किया जिसके आप अमीन थे उसके बाद बाहर ऐसा लगता है लगता है खान साहब कि आप कमी थे जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे आप ये चीज़ें ना करने के लिए आए थे आप इसराइल की मिसालें देते थे आपने कहा था कि हम तोशा खाना को ख़त्म कर देंगे तहिफ का सिलसिला ख़त्म कर देंगे लेकिन जब आए आए आपने बज़ाहिर एक कमी जैसे कंडक्ट का मुजाहरा करते हुए कमी जैसे काम करते हुए आपने सारा तोशा खाना बेच खाया और अब आप कहते हैं कि क्या हम कमी हैं चलें इस बात को छोड़ देते हैं माजत चाहते हैं अगर कि किसी की दिलजारी हुई है अगली बात सुने अगली खान साहब ने कहा हाँ जी ये तो खान साहब कहा जी रेंजर मुझे उठा के लेके तो हमारा इतजाज करना तो हक़ था ये खान साहब लोगों के जहनों को प्लूट करते हैं रेंजर ने नहीं उठाया रेंजर ने असिस्ट किया असल तो मुकदमा खान साहब के खिलाफ अलकाद ट्रस्ट का था नैब ने गिरफ्तार किया नैब ने रेंजर की मामनत तलब की आयन और कानून के मुताबिक जो कि आइन भी इजाज़त देता है कानून भी इजाज़त देता है अगर नैब ने आइन और कानून के तहत रेंजर की मामनत हासिल की थी तो गिरफ्तारी तो नैब की हुई क्या गिरफ्तार करके उन्हें जी एच ले जाया गया था कोर कमांडर लाहौर के घर में ले जाया गया था जना हाउस में ले जाया गया था नहीं वहाँ पे नहीं ले जाया गया था नैब के दफ्तर में था और नैब के दफ्तर में खबर सुन लें पहले भी शेयर कर चुके हैं नैब के एक ऑफ़िसर ने खान साहब को दौरान हिरासत पूछा कि खान साहब आपके लोग बाहर निकले हुए हैं कहीं यहाँ तो नहीं आ जाएंगे खान साहब ने कहा कि वो यहाँ पर नहीं आएंगे उनको मालूम है कि उन्होंने कहाँ जाना है कहाँ जा अपना एहत रिकॉर्ड करना है और एहतजाज की आर में क्या कुछ करना है तुम बेफिक्र रहो यहाँ पर नहीं आएंगे ये खान साहब का नैब के हिरासत के दौरान नैब के एक अहलकार के पूछने पर क्योंकि उसको डर था कि यहीं पर खान साहब के प्रोटेस्टर ना आ जाए खान साहब ने उसको हौसला दिया तसले दिया भाई तुम बेफिक्र हो जा यहाँ पर नहीं आने वाले फिर खान साहब ने कहा कि तजाज करने वाले तो सौ दो सौ लोग थे इन्होंने हज़ार लोगों को पकड़ लिया अब खान साहब खुद कहते थे कि हमारे तो हज़ारों लोग निकले पूरा पाकिस्तान उमंड आया अब खान साहब कहते हैं कि सौ दो सौ लोग थे हज़ार लोगों को पकड़ लिया यानी खान साहब वो फिर बात जहन में आ जाती है कि कौन सा नशा करते हैं अब आगे चुने खान साहब आ जाते हैं एक और खान साहब ने बड़ी अहम बात की खान साहब ने कहा कि हमारे जो लोग इन्होंने जेलों में डाल रखे हैं पार्टी के लोग हमारे सीनियर क्यादत उनसे ये दफ़ा एक सौ चौंसठ का बयान लेना चाहते हैं यानी जो मजिस्ट्रेट के सामने आप बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं और खान साहब कह रहे थे कि वो उन्हें मेरे खिलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाना चाहते हैं खान साहब ने कहा कि आज़म खान को पकड़ा हुआ है सीनियर मोस्ट ब्यूरोट है पाकिस्तान का उसको वादा माफ़ माफ़रा बना के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं बादाम आफ गवाह कौन होता है ये खान साहब आप बता रहे हैं इसको गौर से सुनिए कि खान साहब ने क्या कहा कि बाद गवाह जो दफ़ा एक सौ चौंसठ का बयान रिकॉर्ड करवाता है जो अपना बयान हल्फी देता है खान साहब कहता है कि वो कानून की नज़र में कानून में उसको गिरगड़ कहा जाता है क्योंकि वो रंग बदलता है और वो वादा माह गवाह जो होता है जो गिरगड़ की तरह रंग बदलता है वो जिसकी तरफ होता है उसकी तरफ का हो जाता है यानी खान साहब ये कह रहे हैं कि वादम आह गबा की कानून में कोई गुंजाइश नहीं वो झूठा होता है या उसको मजबूर किया जाता है अब ये खान साहब जिस वक्त बात कर रहे थे फिर वही बात न जाने खान साहब किस नशे किस कुमार में थे खान साहब शरीफ ख़ानदान को कोदेबिया पेपर मिल केस में क्लीन चिट दे गए लेकिन खान साहब के दोहरे मैार हैं यहाँ पर खान साहब ने कहा कि एक का बयान कोई कानूनी नहीं होती वादम माफ गवाह की कोई कानूनी नहीं होती वादम माफ गवाह का जो बयान हल्फ़ी होता है मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है उसकी कानूनी हैसीियत नहीं होती दफ़ा एक का बयान यही होता है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने जाके अपना बयान हल्फी अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं अब रेबा पेपर मिल केस में क्या था इसाक डार का एक बयान हल्फी था ना और वो कब बयान हल्फी लिया गया जब डिक्टेटर की हुकूमत थी जब परवेज़ मशरफ हुकूमत में थे और डिक्टेटर के दौर में तो वज्रजम को फांसी पर लटकाया गया फांसी पे के तख्तादार पे लटका दिया गया तो वो अमरीत में खान साहब को जो एक सौ चौंसठ का बयान है साडार का वो खान साहब को दुरुस्त लगता है लेकिन अब तो खान साहब ने खुद क्लिन चट दे दी क्योंकि खान साहब कहते थे कि ओपन एंड शर्ट केस है अब खान साहब ने अपने पर बनी तो खान साहब कहते हैं कि दफ़ा एक सौ चौंसठ का बयान और जो वादा माफ़ गवाह होता है उसकी कोई है नहीं होती तो खान साहब का ये कहना दरअसल शरीफ ख़ानदान को क्लिन चिट देने के मुतरिफ है यहाँ पर जो खान साहब ने बात की आगे चल के खान साहब ने एक एक और एंगल से फिर नई बात कर दी पुराने वाली बात कर दी खान साहब ने इसराइल के मामले पे वजाहत की और फिर खान साहब ने आगे चल के कहा कि ये तो मोदी के मतलब यार भी खान साहब कहा करते थे ना नवाज शरीफ शबाश को मोदी के यार हैं खान साहब ने कहा अपने इसराइल की वजाहत दे के ये मुझे दहशतगर्द साबित करने की कोशिश कर रहे हैं क्या अमेरिका को मैंने कभी कोई पैगाम दिया इन्होंने तो हुसैन कानी के जरिए अमेरिका को पैगाम दिया था कि मुझे मेरी फौज से बचाओ और मोदी को नवाज शरीफ ने अपनी बेटी की शादी पे बुला लिया था मुझे अब ये दहशतगर्द साबित करना चाहते हैं अब इसमें देखे खान साहब का कितना तजाद है यहाँ पे खान साहब कह रहे हैं कि मैं दहशतगर्द नहीं हूँ वतन हूँ मुल्क का दुश्मन नहीं हूँ आगे चल के कहा कि आज मुल्क के फैसले वो कर रहे हैं जिन्हें नज़र मुल्क के फैसले वो कर रहे हैं जो माजी में सब कुछ करते रहे हुसैन खाना के जरिए ख़तूत लिखते रहे मोदी को अपनी शादी पर बुलाते रहे क्या इस्टेबलिशमेंट कोई नजर नहीं आ रहा इन लोगों का जरदारी खानदान शरीफ खानदान का क्या मफाद है यानी उनको कह रहे हैं कि मोहब्ब वतन नहीं मैं महब्ब वतन हूँ मुझे आप दहशतगर्द क्यों साबित कर रहे हैं लेकिन असल बात जो खान साहब ने की कि अब इसमें आप देखें जो खान साहब ने कहा कि मैंने कभी इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया जो आपके साथ शेयर करने जा रहा था अभी हालिया दिन का खान साहब के अमेरिकन टी को दिए गए इंटरव्यू निकाल के दिखा दें तो खान साहब खुद कहते हैं एक जूम पर भी खान साहब ने खा, अमरीकी कांग्रेस खातून के साथ बात की थी कि आप अमेरिका से हमारे हक़ में स्टेटमेंट दिलवाएँ ताकि उसका हमको यहाँ पर फ़ायदा हो अब यहाँ पे तो खान साहब खुद कहते हैं कि मेरे खिलाफ़ सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है आप अमेरिका को बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ ये कर रही है वहाँ से आप अभियान आते हैं ताकि हमें यहाँ पर फ़ायदा मिले हमें उसकी कोई सपोर्ट मिल सके तो खान साहब आप भी वो ही वही कुछ कर रहे थे अब आप अपने मामले के हवाले से तो आप जज बन गए नमाशी शरीफ खानदान के हवाले से अपने मामले के हवाले से आप जज बन गए नमाशी शरीफ खानदान के हवाले से भी जज बन के आपने फैसला सादिर फरमा दिया कि वो तो मोहब बतन नहीं दुश्मन है गदार ने दहशतगर्द हैं मोहब वतन हूँ ये आप जज बन गए फिर खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे खुद बताया जरदारी और शरीफ खानदान के करप्शन का मैं इसका गवाह हूँ स्टैब्लिशमेंट ने बताया जनरल अमजद ने बताया न्याक के उस वक्त के चेयरमैन ने जनरल बाजवा ने मुझे इनके करप्शन की कहानियाँ बताई अगर इस्टेब्लिशमेंट वाली बात मान लेके इस्टेब्लिशमेंट जो बताए बिल्कुल ठीक है तो फिर हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर शाह साहब उन्होंने भी आपकी फैमिली के हवाले से बनी गाला के हवाले से बुशरा बीबी के हवाले से कुछ रिपोर्ट बनाई थी क्या उसको फिर आप दुरुस्त मान लें वो बिल्कुल ठीक है मतलब दूसरों के बारे में तो आप जज बन गए कि वो बिल्कुल दुरुस्त थी मैं गवाह हूँ तो जो आपके बारे में रिपोर्ट आई थी जिस पे आपने आज से मुनी साहब को सैक कर दिया आतवार के रोज़ डी जी के उदे से हटा दिया उसका फिर हम भी गवाह हैं कि वो रिपोर्ट आपको दी गई थी आप खुद मान चुके हैं इंटरव्यू में भी हाल ही दिनों में आपने दिया कि मैं उसके साथ नहीं चलता सक, चलता तो नहीं चल सकता था अब चल सकता हूँ तो चल सकता हूँ तो ये अगर इस्टेबलिशमेंट आज, आज आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा बना दे तो क्या आप उसको भी फिर दुरुस्त मान लें यह है खान साहब का दोहरे मैार लेकिन बहरहाल ये जो खान साहब का पच्चीस मिनट का वी था इस पर मैं करना चाहता तो तीन वी हो सकते थे लेकिन मैंने एक ही करने में इक्तफा समझा क्योंकि आप फिर दोस्त नाराज हो जाते हैं लेकिन ये बड़ी अहम चीज़ें थी ये बड़ी अहम चीज़ें थी लोगों को बताने के ख़ान साहब के अपने बारे में क्या ख्याल होते हैं दूसरों के बारे में ख्याल होते हैं हालाँकि पैमाना मैार का एक ही होता है लेकिन खान साहब का दूसरों के खिलाफ उसको और तरीके तो तो तीक से इस्तेमाल करते हैं अपने हक़ में और तरीके से इस्तेमाल करते हैं इजाज़त चाहते हैं अल्लाह हाफिज़